सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ओरियो मिल्क शेक को बनाना। ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास फुल क्रीम ठंडा दूध ले रखा है, कुछ आइस क्यूब्स ले रखे हैं, 4 से 5 चम्मच शुगर और एक पैकेट ओरियो बिस्किट का ले रखा है। यहाँ पर मैंने 10 रुपये वाला एक पैकेट लिया है। इतनी सामग्री हमें चाहिए इस ओरियो मिल्क शेक को बनाने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मिल्क शेक को बनाना। हम ये ब्लेंडर जार लेंगे और जार में मैं डाल रही हूँ, जार में अब हम डालेंगे ओरियो बिस्किट के 3 पीस। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितनी आपको आवश्यकता हो उतने बिस्किट आप लीजिएगा। और ये आइस क्यूब्स भी मैंने डाल दिए हैं शेक को ठंडा करने के लिए। और अब जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून शुगर शेक को मीठा करने के लिए। चीनी की क्वांटिटी आपके स्वादानुसार रहेगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क, यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है, थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे, हम बाद में इसे डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम जार में ढक्कन को लगा लेंगे, अब इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया शेक बना है। अब जो बाकी का बचा हुआ दूध है उसे भी हम डाल के इसे फिर से हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने शेक को अच्छे से 4 मिनट तक फिर से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अब हम ओरियो मिल्क शेक को इस कांच के ग्लास में सर्व कर लेते हैं। इस तरह से देखिए आप इस शेक को घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और ये फटाफट बनके तैयार भी हो जाता है। और जो बाकी का बचा हुआ है उसे हम दूसरी ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे चोको चिप्स से। और ये देखिए मैंने ओरियो मिल्क शेक को बहुत अच्छे से गार्निश कर लिया है। ये देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है पीने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इस तरह से ओरियो मिल्क शेक को घर में बनाइए और इन्जॉय करिए इस समर में ओरियो मिल्क शेक के साथ। और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।